कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। और देखो यार, हमारे पास बहुत टाइम है तो आप सुनते रहना। मैं हर एक एपिसोड से पहले थोड़ा नर्वस होता था। समवेयर डाउन द लाइन आई न्यू कि भाई अगर मैं जाऊंगा, अगर वो दिग्विजय, रियल दिग्विजय मैंने वहां दिखा दिया तो पीपल विल डेफिनेटली लाइक इट। तुम्हें लगता है कि तुमने जब टी शर्ट उतारी उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? मैं सोच रहा कि आप बोलेंगे निकाल दे या कुछ करके दिखा दे ऐसे वैसे, बट उन्होंने बोला नहीं, फिर मैं खुद ही निकाल दिया, मैं खुद ही दिखा दूँ या नहीं यहाँ से ये देख लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली गौतम सर वो गेम नहीं समझ आया, अगर उस इंसान को अपने रोडियम से याद नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। मैं तो बोलता हूँ प्लीज एब्स वाले लड़कों को जल्दी घर मत भेजो। अ लॉट ऑफ गर्ल्स थिंक दैट यू आर अ वॉकिंग ग्रीन फ्लैग। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बिल्कुल सही सोचती हैं जिनको ये लगता है। आई एम द ग्रीनेस्ट फ्लैग एवर, पाकिस्तान का झंडा हूं मैं। आशिका अगर तेरा सीन नहीं है तो बताया, डेट पे चलेगी? वो रूल नहीं है कि ब्रो रूल, कि ब्रो कर रहा है तो तुम नहीं करोगे, वैसे मतलब बात नहीं करूंगी। हे गाइस, वेलकम टू डोंट स्पिल टू मच, जहां लोग जरूरत से ज्यादा ही स्पिल करते हैं। एंड आई नो यू गाइस लव गॉसिप, सो डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ इट। टुडेस गेस्ट इज समवन हु गॉट क्वाइट पॉपुलर आफ्टर लिटरली डूइंग फ्यू एपिसोड्स। And a lot of people said that he could have won the show very easily. Let's get Digvijay Rathi, जिन्होंने खुद की इस शो में बैंड बजा दी, and have a quick chat with him. Strong में सबसे ऊपर तू आता है भाई। इतने सारे लोग एक बंदे के अगेंस्ट में, कुछ तो कम होगा। Hello, what's up? All good, how are you? I'm good. Welcome to my show. Thank you. Don't spill too much. Yes. Are you excited? Yes. पहली बार है? पहली बार for? Don't spill too much? नहीं, मतलब interview. Interview? हाँ, sort of. Okay. Are you excited? Like वो online दिए थे roadies वाले ही. ठीक है, छोड़ दे. Feeling excited. Okay. And prank की wait कर रहा हूँ कि आज कौन सा prank होने वाला है. अगर मैं बताऊं कि कोई प्रैंक नहीं होने वाला, फिर तो जरूर होगा। नहीं नहीं, नो प्रैंक। अच्छे लड़कों के साथ मैं प्रैंक नहीं करती हूँ। I mean, bad. It's not bad, just the truth. सच निकल आता है, मैं क्या करूँ? I can't control it. एक के साथ हुआ है प्रैंक तो? I think दो लोग के साथ हुआ है, बट दूसरा वाला अच्छा था। दूसरा वाला अच्छा था? कौन था दूसरा? शिवे तो हिमांशु के साथ प्रैंक किया। अच्छा, हिमांशु के साथ भी ब्लाइंड फोल्डेड वाला? I mean, Shivit is a nice boy, but I think I have some grudges with him. Achha, phir bhi show kar liya saath? Us time nahi the, but I think after he got out of the show, matlab after he did the episode with me, usne jaake round table pe ye bola ki Shreya Kalra ne mujhe views ke liye bulaya. First of all, main aapko ghar se... Tu bhi to views ke liye aaya tha. Ek second, main batata hu is pe. Usne khud shayad bola tha ki bhai, haan haan, reel dal dena, mere hi followers badh jayenge. To usse nahi us time followers chahiye tha. Ye baat maine kahin, pata nahi usne kahan boli thi, but ye boli thi. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से चल के आ रहे हो ना। मैंने आपको फोर्सफुली ऐसे दबोच के तो नहीं बुलाया कि आप आओ मेरे साथ इंटरव्यू करो। आई जस्ट आस्क्ड और उसने अग्रीड टू इट, तो फिर फ्लेक्स क्यों करना किसी और राउंड टेबल पे? वो पता उसे भी था, पता उसे भी। और फिर वो बहुत सारी उससे चीजें जो बोली जो मुझसे रिलेटेड थी कि चल छोड़ो खत्म करो उसकी बात। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट आई जस्ट डोंट लाइक दैट पर्सन। आई कांट बी फ्रेंड्स विद, आई इवन अनफॉलोड हिम आफ्टर द एपिसोड, जो कि बहुत बिची लगता होगा, बट गेट्स ओके। यू टेल मी, हाउ वाज योर जर्नी? हाउ आर यू? आई एम अमेजिंग। जर्नी वाज वेरी गुड, आई वाज क्वाइट सैटिस्फाइड। लाइक आफ्टर द जर्नी व्हेन आई केम बैक, लाइक मैं आया, मैंने जब बस से उतरा मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया कि भाई बात करनी है, रात को ही 3-4 बजे मैं पहुंचा घर। तो ही वाज लाइक क्या हुआ, मैं कह रुक जा थोड़ी देर, मैं को एब्जॉर्ब करने दे, क्या हुआ है सीन। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई मैं अपना 100% दे आऊँ, आई डोंट नो कि अब बाहर कैसा आएगा एंड कैसी चीज़ें पोर्ट्रे होंगी एंड ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी। बट मैं खुद से उस टाइम भी सैटिस्फाइड था कि आई हैव डन माई बेस्ट। फिर जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स आया एंड मतलब लाइक वीक बाय वीक मैं हर एक एपिसोड से पहले थोड़ा नर्वस होता था। लाइक जैसे पीयू वाली जो चीज़ थी उस टाइम, तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि भाई फैमिली वाले सब कुछ देखने वाले हैं कि भाई कैसे ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, क्या पता उन्हें मेरा इंटेंशन समझ आए ना आए। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि भाई जो तुम बोलते हो ना और जो तुम्हारे इंटेंशन है वो ऑडियंस को क्लियरली दिख जाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद माई जर्नी। डिड यू थिंक कि यार काफ़ी छोटी थी, अगर लंबी होती तो मैं जीत सकता था?
नहीं, वो छोटी में ही सारी मेरी थी ना, कुछ होगी पूरी जर्नी में भी उनकी कहीं नहीं थी, तो जितनी थी उतनी मेरी जर्नी थी. Who are you talking about? नहीं एनीवन, काफी लोग, शायन हो गया, मोगली हो गया, काफी लोग थे जो बाद तक थे, तनु होगी इवन, उनका शो में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं था ना, बट जब तक मैं था आई वाज देयर. डिड यू एक्सपेक्ट कि तुम बाहर आओगे तो इतना पॉपुलैरिटी मिलेगा, लाइक फैन एडिट्स बन रहे होंगे? नहीं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को पहले से है ना, स्टार्टिंग से लाइक आई हैव बीन इन मुंबई सिंस 1.5 ईयर, लाइक अप डाउन करता रहता हूँ मैं, मेरा मन नहीं लगता, मैं भाग जाता हूँ चंडीगढ़ 2-3 महीने या कभी कभी 15-20 दिन. स्टार्टिंग से आई न्यू कि अगर मैं रियलिटी शो में जाऊँगा तो आई विल डू गुड, वो कॉन्फिडेंस मुझ में था और मैं बोलता था अपने दोस्तों को, वो कुछ कुछ दोस्त मानते नहीं थे, बट समवेयर डाउन द लाइन आई न्यू कि भाई अगर मैं जाऊँगा, अगर वो दिग्विजय, रियल दिग्विजय मैंने वहाँ दिखा दिया तो पीपल विल डेफिनेटली लाइक इट, ये बात तो फॉर श्योर थी. तो कहीं ना कहीं मेरे को था एक्सपेक्टेशन कि भाई हाँ दिग्विजय जा रहा है तो दिग्विजय को इतनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए एंड वो डिजर्व करता है. तुम्हें लगता है कि तुमने जब टी शर्ट उतारी उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है? हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि बॉडी उसमें टी शर्ट में दिख नहीं रही थी, एक्चुअली जो मैंने कॉस्ट्यूम लाइक जो क्लोथ्स रखे थे मैंने अपने पीआई के लिए वो उन्होंने पहनने नहीं दिया, लाइक कैमरा में जिटर होंगे एंड वो सब वाला सीन था, तो वो मेरी 6-7 साल पुरानी टी शर्ट थी वो पहनी मैंने एंड उसके बाद मैंने खुद ही टी शर्ट निकाली. यूजुअली वो निकलवाते हैं, मैं सोच रहा कि अब बोलेंगे निकाल दे या कुछ करके दिखा दे ऐसे वैसे, बट उन्होंने बोला नहीं, फिर मैंने खुद ही निकाल दिया, मैं खुद ही दिखा दूँ या नहीं यहाँ से ये भेज दिया. फिर उसके बाद जो मेज वाली चीज़ थी उससे पहले पीआई में एडी जो पीआई में प्रिंस भाई ने सिलेक्ट किया था, तो एक दिन पहले उसका ऑडिशन था हमसे, तो उसने रात को आके बोला कि भाई वो जो मेज है वो तो इम्पॉसिबल है, वो कोई कर ही नहीं सकता, उसने डरावरा दिया. तो जब मेरा पीआई ऑलमोस्ट स्टॉप होने वाला था मेरे को लग रहा था कि भाई अब खत्म है और मेज पे भेज दिया, अब मेरी फटी हुई है, मैं कहा एडी भी बॉडी बिल्डर, उसने बोला इम्पॉसिबल चीज़ है और वो चीज़ कर दी, तो वहाँ से आई फेल्ट कि थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने लगी. फिर गौतम सर ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, फिर रिया मैम ने भी अपना डिसीजन चेंज किया एंड बिड वगैरह किया, तो उस वजह से आई फेल्ट कि पीआई में सीन्स चेंज हुए. We'll get to the questions now. In the journey also you said a lot of things about Gautam sir, ke he didn't understand the game or maybe agar tum kisi aur gang mein hote to acha karte. Bahar aake bhi aapne bahut sari cheeze boli, so why was that? Why to isliye ki jo cheez mujhe lagti hai chahe theek hai ya galat hai kisi ke bhi bare mein hua wo main bol deta hu. Even matlab obviously Gautam sir ko game nahi samajh aaya, agar us insaan ko apne rhodium se yaad nahi hai to there's no point. Game mein ho aap, ek game khel rahe ho, agar aapko immunity deni hai तो यू शुड नो कि आपके पास 2000 ODM या 3000 ODM है, दैट इज़ वेरी बेसिक. तो इस वजह से गेम नहीं समझ आई एंड जो जो लोग वहाँ सेट पे थे दे न्यू कि समझ नहीं आए, बट आई वुड लाइक टू से कोई भी मुझसे पूछता है ना कि गौतम सर कैसे थे या गौतम भाई कैसे थे, तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, लाइक ही इज़ वेरी गुड एट हार्ट, बट गेम नहीं समझ आई तो नहीं आई ना, वो पॉइंट था वहाँ पे. तो इसलिए जो चीज़ मुझे ठीक लगती है और गलत लगती है मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, बीट अबाउट प्रिंस सर या कोई कंटेस्टेंट के बारे में तो ऑब्वियसली मैं बोल देता हूँ. Do you think कि अगर किसी और गैंग में होते तो सेव होते तो? हाँ उस दिन डेफिनेटली सेव होता, क्योंकि उस दिन उससे पहले शायद कोई सेव करता ना करता, बट उस दिन तक डेफिनेटली रिया मैम और प्रिंस भाई को कैपेबिलिटी दिख गई थी कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रूडी है, इसको रखना जरूरी है. मुझे एक और चीज सुनने में आई थी कि तुमने कहीं बाहर जाके बोला था कि रिया, एक बार टास्क हो रहा था और रिया मैम ने बोला था कि जो दिग्विजय कर रहा है तुम वही करो. नहीं नहीं हाँ वो चाट या चाटा वाला टास्क था. हाँ. तो उसमें प्लेट चार्ट नहीं होते, तो मैं हिमांशु को बोल रहा हूँ कि जहाँ क्वेश्चन लिखा है ना वहाँ से चार्ट, ताकि क्वेश्चन दिखे सोनू सर को, जब सोनू सर को लाइक ही वाज लाइक द रेफरी देयर कि भाई प्लेट किसने ढंग से चाटी है, तो रिया मैम जो ये बोल रहा है वही वही सुन वही कर, तो वहाँ पे उन लोगों को भी समझ आया था कि क्या सीन चल रहा है. अच्छा आपको चाटने में बहुत टेक्निक पता होगी. नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं. कट. ओके व्हाई डू यू थिंक यू गॉट सो पॉपुलर? Because Digvijay was Digvijay, real and raw. यहाँ भी बाहर भी, like जो friends है ना मेरे बाहर, they know कि Digvijay ऐसा ही है. Digvijay cheating नहीं करेगा, या फिर Digvijay को कोई अपने दोस्तों में भी चीजें गलत लगी होगी तो उन पे भी वो सुना देगा. तो I'm like that only. Like एक college की बात बताता हूँ. First, second year of college, हमारी modeling team होती है, तो जो seniors होते हैं ना, you have to get selected, auditions दो आप, फिर वो rounds होते हैं. वहाँ पे क्या सीन होता था कि फॉर डिसिप्लिन वहाँ पे सबको राउंड्स लगाने होते थे, लाइक 8 बजे का कॉल टाइम है तो 8 बजे आओ वरना राउंड्स लगाओ. सीनियर्स राउंड्स नहीं लगाते थे और सबकी बहुत फटती होती थी सीनियर्स थे, तो वहाँ पे मैं बोल देता था कि भाई मतलब सीनियर्स क्यों नहीं राउंड लगाते हैं, लोग ज़्यादा फिट हैं या क्या सीन है? तो वहाँ से ही मेरा वो था कि भाई जो चीज़ गलत है मैं उसके लिए स्टैंड ले लेता हूँ. तो जहाँ जहाँ गलत चीज़ें मुझे लगी जर्नी पे या फिर सही भी लगी, उस चीज़ के लिए मैंने स्टैंड लिया, इस वजह से लोगों को वो चीज़ पसंद आई. आई फेल्ट
आई थिंक ऑडियंस को वो ज्यादा रिलेटेबल लगा और बहुत कनेक्ट हुआ कि बंदा भले एटलीस्ट स्टैंड तो ले रहा है अपने लिए और अलग दिख रहे थे तुम कॉर्नर्ड फर्स्ट एपिसोड से यू गॉट कॉर्नर्ड राइट फर्स्ट सेकंड एपिसोड ही था वो वोटिंग वाला वो जब रात में भगवान जी ने बारिश करा दी एंड आई गॉट सेव्ड तो उसी दिन से कॉर्नर हो गया था उसी दिन से सब सीन स्टार्ट हो चुका था व्हाई डू यू थिंक एवरीबॉडी कॉर्नर्ड यू इन द फर्स्ट एपिसोड डिड यू Did they think you are a strong competition or what? ये बात मुझे वहाँ भी उतनी समझ नहीं आई थी पहले तो अलायंस नहीं हुई दो गैंग्स की उसके बाद राजवीर और मैं बचे तो प्रिंस गैंग वाले तो इस चक्कर में जेलस हो गए कि प्रिंस भाई ने उनकी तो तारीफ की नहीं अब तक और मेरी इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि भाई तू रिस्पेक्ट कमाएगा एंड ऑल ऑफ दैट तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गए ये बात मेरे को उस टाइम भी नहीं समझ आई थी ये मेरे को कुछ दिन बाद समझ आई एंड जब शो पे आया तो आई कन्फर्म्ड कि भाई हाँ ये लोग जेलस हो चुके थे कि भाई इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट ये ले गया प्रिंस भाई से अब इसको निकालो और गैरी ने अपनी वीडियो में ही बोला था कि भाई ये ज्यादा हीरो बन रहा था इसको निकालो तो वो कहीं ना कहीं जेलस हो गए थे वहां पे और उस वजह से ही फर्स्ट सेकंड डे से ही दे स्टार्टेड कॉर्नरिंग दे स्टिल यू सर्वाइव्ड थैंक गॉड फॉर इट मैं तो बोलता प्लीज एब्स वाले लड़कों को जल्दी घर मत भेजो एब्स वाले एंड तक होने चाहिए मजा आने देखा मैंने वो व्लॉग ओके व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस लाइक आई एम सिंगल व्हाई आर यू सिंगल By choice. Okay. Like, अगर मैं अभी कोई like लड़की देख रहा हूँ या अगर मेरे को कोई मिलती है तो I think she should be very smart. मेरे को dumb लड़कियाँ नहीं पसंद. And आजकल dumb लड़कियाँ ज़्यादा हैं. Shut the f. नहीं नहीं ऐसा ही है. ऐसा नहीं है. ऐसा ही है. Smart लड़कियाँ भी हैं बहुत. I think you're hanging out with the wrong girls then. हाँ maybe. But या फिर अगर स्मार्ट लड़कियाँ हैं भी तो you know बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर टाइम देना पड़ता है उतना टाइम मैं दे ही नहीं पाता अभी मेरे को खुद को बहुत टाइम देना एंड वो मैंने रियलाइज किया जब मैं बॉम्बे में था 6-8 महीने आई डिडंट टॉक टू एनीवन कोई दोस्ती नहीं था स्टार्टिंग के 6-8 मंथ्स एंड चंडीगढ़ में आई यूज्ड टू बी अराउंड फ्रेंड्स वहाँ मेरे इतने दोस्त हैं अगर मैं कहीं जाऊँ पार्टी वार्टी या कहीं कॉलेज वॉलेज तो इतने दोस्त मिलते हैं मेरे को सारा टाइम कि मेरे को अपने आप के साथ ही टाइम नहीं मिलता था बट देन आई रियलाइज कि मुंबई आके कि भाई अपने अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें कितना टाइम हो गया बॉम्बे में 1.5 ईयर बट उसमें से 6-7 महीने मैं चंडीगढ़ था क्यों मन नहीं लगता ना मेरा यहाँ क्यों पर वहाँ मेरे दोस्त हैं मैं घिरा रहता हूँ वहाँ मतलब सुबह से ही निकलता हूँ घर से फिर रात को ही पार्टी वार्टी कभी किसी के फ्लैट चंडीगढ़ में मेरे घर होते हुए कई बार ऐसा होता है 2-3 दिन में घर नहीं आता फिर घर वाले पता है कॉल करके कहते हैं कहते सुन घर मत आइयो वहीं से फ्लाइट लिया और मुंबई चला गया तो मुंबई में फ्रेंड्स क्यों नहीं बने मुंबई में एक्चुअली फर्स्ट डे बताता हूँ जब मैं आया तो एक मेरा फ्रेंड था आई डेंट नो एनी वन ओवर हेयर एक ही फ्रेंड था उसको मैंने कॉल किया कि भाई मैं मुंबई आ गया हूँ ऐसा ऐसा नहीं कह रहा हाँ हाँ बढ़िया भाई मैं बिजी हूँ मिलते मिलते तो आई वॉज लाइक कि भाई वो थोड़ा हेल्प वेल्प करेगा या कुछ सीन होगा मैं कुछ तो हेल्प करेगा कि भाई 2-4 नंबर दे दे मैं कहाँ से जाके फ्लैट व्लैट लूँ बट आई वॉज वेरी लकी कि फर्स्ट डे क्या सेकेंड डे मेरे को मिल गया था एक रूम तो उसके बाद से सारे लोग यहाँ बिजी हैं अपने में ही हैं एंड लोग आई फील कि यहाँ उतने वेलकमिंग नहीं है या मतलब फ्रेंड्स नहीं है मतलब फ्रेंड नहीं बन पाते आपके आई थिंक बिजी है अपनी लाइफ में अपनी लेन में सब भाग रहे हैं एंड विच आई नाउ फील इज राइट कि ठीक है सब अपना करने आए हैं बट उस टाइम मेरे को समझना बहुत मुश्किल था पता नहीं आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के लोग काफ़ी वेलकमिंग है क्योंकि इंदौर में मैंने कभी नहीं देखा है कि ठीक है तुम किसी पार्टी में जा रहे हो तो ठीक है अपने फ्रेंड को भी ले आओ मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे थी एंड शी इज लाइक गेट योर फ्रेंड्स आल्सो तो यहाँ के लोग हैं वेलकमिंग आई थिंक चंडीगढ़ में अलग है फिर सीन चंडीगढ़ में एक एक अपने फ्रेंड को भी ले आओ वहां होता है तो 5-6 दोस्त ले आ, बिना बताए ले अगर मेरे दोस्त आ रहा है उसके साथ 5-6 दोस्त आ गए सिंपल शॉर्ट सीन कोई पूछने तक की जरूरत नहीं है वहां इतना ज्यादा क्लोजनेस है हम सब में जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे स्पेशली बट आई थिंक यहाँ के लोग तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे बिकॉज वो अपने उसमें बिजी है हेल्प नहीं करते इतना एक होगा टाइम कि तुम काफी बार हुआ कि काफी लोगों के साथ मैं पार्टी करी मैं गया बाहर लेकिन उसके बाद ऐसा था कि वो कौन मैं कौन खत्म मतलब उसके बाद आई टॉकिंग अबाउट अस नहीं 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 तो मैं तो अभी 2 महीने हुए जाने में दो मतलब 4-5-6 महीने हो गए बट बॉम्बे में तो अभी अभी थोड़ा टाइम में पता लगेगा बता दूंगा मैं तुम्हें ठीक है स्टोरी डालना प्लीज टैग मी ओके आई थिंक है अच्छे लोग हैं यू नीड टू राइट द फाइन यू नीड टू फाइंड द राइट हां मैं बताता हूं वो 6-8 मंथ्स बहुत टफ थे बट अब मैं जिन लोगों के साथ फ्लैट लिया है वो मेरे उस 6-8 महीने के बाद दोस्त बने थे बट उनके साथ बॉन्ड अलग लेवल है लाइक अब उनके साथ ही फ्लैट ले लिया एंड
उनके साथ ही सारा दिन निकलता है एंड वो पुश भी करते हैं तुम्हें अपने करियर में भी, ऑडिशंस वगैरह भी, कुछ आइडिया वाइडिया नहीं था कैसे होता है क्या सीन होता है, तो वैसे लोग भी हैं वो मिल जाए आपको तो यू आर वेरी लकी, वरना फिर वही होता है कि भाई लोग 6 महीने साल में भागते हैं वापस घर। भाई मैं खुद भागने वाली थी 20 दिन में, ठीक है मेरी फट गई थी, मतलब मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, अकेले रहना, खुद खाना बनाओ, खुद कपड़े धो, सब खुद करो, बट आई थिंक आपको लोग मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं तो आप अच्छे से ग्रो कर पाते हो लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो फील दैट यू आर लकी यू हैव मेट अस इज लाइक फक क्या बोलूं। नहीं नहीं सही बात है। अरे आप लोग हैं अच्छे लोग हैं यार। नहीं नहीं मैंने कब मना किया। हां धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। शाबाश शाबाश। Okay, you said that you're single by choice. Uh-huh. So what's your type? बताया तो smart girls. That's it. First priority, बाकी obviously hot होनी चाहिए बंदी. Mainly यही है. Smart होगी तो बंदी सारी चीजें होगी ना, understanding होगी. Honest होनी चाहिए main बात. जैसे मैं हूँ honest, तो वैसे ही वो top level. वो भी stand ले. Top level honest. कि नहीं तुमने दिग्विजय गलत किया है. तुमने मेरी रोटी खा ली तो खा ली. हाँ खा ली तो खा ली भाई. ठीक है. Honest होना बहुत जरूरी है और जो है सच अंडरस्टैंडिंग और वो स्मार्ट, अगर स्मार्ट बंदी होगी तो वो सारी चीजें उसमें ही आ जाती है मेरे हिसाब से। अगर सो राइट नाउ आर यू लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप और यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन योर, ऐसा कुछ नहीं है, मिल गई तो वेल गो विद इट, नहीं मिली तो इट्स फाइन, मतलब यू नॉट चेजिंग, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है, नो आई एम नॉट चेजिंग। अच्छा ठीक है, नाइस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओपन रिलेशनशिप्स? इट्स ओके अगर दोनों खुश हैं उस चीज में, इट्स फाइन। मतलब यू वुड बी ओके इफ योर गर्लफ्रेंड इज ओके? नहीं। Then how the hell then you are okay? You ask the opinion, right? तो अगर if both people are okay with it, that's fine. अच्छा mutually. मैं नहीं हूँ ना, हाँ mutually दोनों okay हैं तो it's fine ना, दोनों खुश हैं उस चीज़ में तो it's fine. तेरी बंदी तुझे मिले? नहीं मेरी, अगर मेरी बात करो तो no. अच्छा. नहीं I'm not fine with open relationship. अच्छा ठीक है, nice, okay. फिर relationship में मत आओ ना. फिर अपना chill करो. मतलब mutually decide कर लो कैसे रहना है. हाँ. A lot of girls think that you are a walking green flag. What do you have to say about that? बिल्कुल सही सोचती हैं जिनको ये लगता है। ठीक है। नहीं सही बात है। Are you a walking red flag? Green flag. Sorry. Red. निकल गया मुंह से। Red flag. I am a red flag. I'm the greenest flag ever. पाकिस्तान का झंडा हूँ मैं। तो इसपे क्या बोलूँ मैं? हाँ like, क्या? Do you agree? Yeah, I agree. बिल्कुल ठीक सोचती हैं लड़कियाँ, समझदार। One line answers देगा, हाँ बिल्कुल basic simple paragraph दे भाई। अबे यार क्यों green flag, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम green flag हो? Honest हूँ, बस उसी में खत्म हो जाता सब, बस एक honest direct जो भी सीधा बोलते हैं। Tell us something that happened in this show and it's still a secret to the audience। ये मुस्कान की चमक, वो मैं बोल नहीं सकता क्या? Give us the hint। मानशु आशिका, हाँ वो तो guys people know it. Vashu is going to be mad. Vashu don't say anything. Are sahi mein chal raha hai unka scene Vashu Ashika ka? Pata nahi, wo aake to usne deny kar diya ke mana kar diya, ha, that she is not dating, but Vashu ne round table pe bola tha ke he likes her. Nahi date nahi but he likes her. To you call her and ask kisko, kisi ko bhi, ya call him and ask sahi mein? खुद आके इतने स्पोर्टिव है ना ये, कैसे गुड फ्रेंड्स विद आशिका? Not good friends, but okay. हाँ ठीक है। Oh, do one thing. हाँ. Flirt with her. अबे नहीं। यार चल ना, चल don't flirt with her, मतलब थोड़ा ऐसे बातचीत कर and फिर उससे पूछ कि what is your relationship status like? अगर कॉल लग गई तो मैं बात तो सही निकलवा। Hello. बोलो बोलो बोलो। क्या हाल है आशिका? नहीं यार बोलो। आ गई वापस मुंबई? हाँ यार आ गई। और अभी आए कुछ काम वगैरह आया कुछ इंस्टाग्राम पे? नहीं यार कुछ नहीं। वो तू हाँ क्या तू के वहाँ गई थी ना पहले? हाँ गई तो थी, गई थी मतलब एक बार गई थी पहले। अच्छा वो तुझे काम देते हैं फिर उसके बाद? हाँ हाँ सही सही चल रहा है, मतलब तू एजेंसी से साइंड है अभी? सही चल
साइंड नहीं हूँ, वही चीज है, साइंड नहीं हूँ तो वो लोग मुझे इतना नहीं दे रहे, समझ रहे। बट मैं भी सोच रही हूँ साइंड हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा दे रहा है काम। अच्छा चल बताइए यार, मुझे भी साइन हो जाएगी तो। और अच्छा सुन, मैं ना ये उसकी बिल्डिंग के नीचे आया था यार, वाशु, वाशु का कॉल वगैरह नहीं लग रहा, तेरी बातचीत है उससे? वाशु तेरे साथ है क्या? नहीं यार, नहीं नहीं, मैं तो जिम में हूँ, वाशु घर पे रहेगा। अच्छा अच्छा, या वो शिवित के साथ रहेगा। तू कहाँ पर है? हाँ तो उसका कॉल नहीं लग रहा? नहीं यार पता नहीं, फोन नहीं लग रहा। अच्छा सुन एक बात बता, एक बात बता, सुन सुन सुन, तेरा क्या सीन चल रहा है वाशु के साथ? तेरा सीन है उसके साथ? अरे नहीं है यार, सीन ये हो गया। क्यों? मैं पसंद हूँ। हाँ तुझे नहीं पसंद? नहीं यार, मतलब दोस्त अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वैसा वाला जोन नहीं है तुम्हारा? मेरे को वैसा वाला जोन नहीं है यार। हाँ तो तुम स्टोरी तो ऐसे लगाते हो कि सीन ही चल रहा है, वो हिमांशु बेचारा रो रहा है चंडीगढ़ में। अबे अभी तो डाली थी एक दो दिन पहले, पता नहीं तूने डाली थी? स्टेटस डाली थी मैंने नॉर्मल, बड़े समय पोस्ट रिस्क करना तो क्या हो गया? अरे तू फुल डेट पे चली गई, मना रहे हैं लोग, मेरा दिमाग फुल सीन भी नहीं है और तो भी मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा सुन चल आशिका, अगर तेरा सीन नहीं है तो बता यार डेट पे चलेगी? चल यार बता कब? नहीं कब फ्री है बता, कब तू कभी है फ्री? जिम कब तक खत्म हो रहा है? मैं तो अभी जिम में ही हूं। चल जल्दी खत्म कर, कॉल करने का ठीक है फिर, अगर फ्री आज तो। हाँ हाँ आज यार, आज कितना बजे है? 9:30। हाँ हेलो रीकनेक्ट मुझे पता था यार, मैं तो जब पानी सामने एक बात खत्म करें। मुझे पता है मैं अगर ये डालूंगी ना वो मुझे वापस कॉल करके गाली देगी, बोलेगी तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझसे? अब क्या बात करूं? हाँ तो डेट फिक्स कर ना, हम दोनों चलेंगे। हेलो क्या करना है? ओ यार मेरे से भी चली जाएगी। She's so interesting. हाँ आशिका बता। चल ठीक है कोई नहीं, तू कर ले आराम से। 10:30 11 बजे चल ठीक है, डिसाइड कर लेंगे जहां भी जाना होगा उसी टाइम, मैं सोच के रखता हूँ। ठीक है मतलब ऐसे कोई रेगुलर बेसिस पे बात नहीं होती, बट जब होती है इट्स फाइन, नॉर्मल, गुड। तो मैं बताता हूँ लाइक सीन कैसे स्टार्ट हुआ था शो वगैरह में। लाइक स्टार्टिंग 2-3 days वर गुड, लाइक काफ़ी बातचीत, एंड फर्स्ट डे मेरी वोटिंग की वजह से वो गेम में इन हुई थी कम्प्लीटली, मैं पक्का कह सकता हूँ। एंड उसके बाद वो एक बार भी थैंकफुल नहीं थी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सीन। तो मैंने उसे बोला भाई क्या तू देखा नहीं कि कैसे जोन बनाया था? मैंने उसे ज़बरदस्ती टेंट में घुसाया, मैं कहा जाके बोल अंदर फट कि भाई मेरे को गेम में रहना है, ऑल ऑफ दैट। उसके बाद वो रिया गैंग में होगी, तो उसके बाद वो बात बात नहीं करती थी बिल्कुल। मैं क्या हुआ क्या सीन है, कह रही कि मतलब ये लोग सोचेंगे, जैसे नायरा का सीन हुआ था कि भाई शिवेद से कि शिवेद से बात करती है, बातें पास ऑन करती है, तो इसको भी वैसे ही इन्होंने इसकी फटकी थी कि भाई ये मेरे गैंग वाले भी अगेंस्ट हो जाएंगे। तो मैं ठीक है तू बात बात मत कर, कोई नहीं, विल मीट आउटसाइड द शो, वो मैंने बात वहाँ बोली भी। तो उसके बाद जब मैं फिनाले में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सचिन के साथ अलग ही जोन बना हुआ है, क्योंकि जब तक मैं था शो में तब तक ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं कहा ठीक है, तो मैंने उससे पूछा भाई तेरा सीन वीन है तो बता दे। नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे वैसे ओके ठीक है देखते हैं, बट देखने से लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ सीन नहीं है। फिर उसके बाद फिनाले के बाद हम ट्रैवलर में वापस आ रहे थे चंडीगढ़,
तो शिवेत बीच में ही मेरे को काफी बार बोलता था, शिवेत और जोगिंदर, कि भाई ये ठीक नहीं है बंदी ऐसे ऐसे, मैं कह सुन मेरे को मत समझाओ, तुम मेरे को मत मैनिपुलेट करो, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ इंसान को कि कौन कैसा है, कौन कितने पानी में है। तो उसके बाद शिवेत ने मुझे ट्रैवलर में दिखाया, मतलब आया पास बैठा, गया मैं जरूर दिखाता हूँ, उसने वही वो चैट वाली बात नहीं बोलता रहता, वो चैट ऐसे दिखाई, वो मैंने उसमें सिर्फ एक मैसेज पढ़ा, और मैंने उससे पूछा भी था आकृति से शो के टाइम की तरह कुछ था शिवेत के साथ, तो बता देती, उसने कहा नहीं था, बट जो एक दो टेक्स्ट दिखे मुझे उससे साफ लगा देयर वाज समथिंग। तो उसके बाद से आई वाज ऑफ कि भाई ठीक है यार, गुड सीन है मेरा, ओके बॉन्ड है उसके साथ, बट मैं उस साइड नहीं जा सकता, तो इस वजह से बाहर ऐसी कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा मिले विले नहीं अलग से ऐसा कुछ, बट बात होती है, अच्छी बात होती है, शी इज़ अ गुड फ्रेंड, सचिन के साथ वो होपफुली खुश है, सचिन तो बहुत खुश है, बता रहा था मुझे पार्टी में। Are they dating? पता नहीं यार। I think everybody's figuring it out कि क्या देखते हैं। सचिन ने कर लिया figure out। चले तो चांद तक, नहीं तो। सचिन बता रहा था मुझे, सचिन ने figure out कर लिया सी। अच्छा, he loves her। Loves का तो पता नहीं, but हाँ, सही सी। ठीक है। तो मतलब आप नहीं मिले बाहर? नहीं मिले एक दो जगह पार्टी वार्टी में, तुम्हारे घर मिले थे, वॉच पार्टी थी तब, और बस सचिन के बर्थडे पे बस तब। तो अब तो नहीं मिलना चाहोगे ना? तो नहीं मिल लूंगा, मेरे ऐसा कोई सीन थोड़ा ही है, अरे थोड़ा ही वो शो में हुआ खत्म, अरे उस वे में मिलना थोड़ा ही, नॉर्मली भी इंसान मिल सकते हैं। ऐसा मतलब वो रूल नहीं है कि ब्रो रूल, कि ब्रो कर रहा है तो तुम नहीं करोगे? अरे तो मैं करने थोड़े जा रहा हूँ, मिलने की बात हुई है। हाँ तो मैंने कहा गलत बोला कुछ, मैंने बोला बात नहीं करोगे। बात कर लेंगे भाई, बात करने में क्या है? ओके, दोस्त की बंदी से या फिर जो मेरी पहले दोस्त है उससे मैं बात नहीं करूँगा? सही बात, बात कर सकते हैं, करो करो, मजा लो जिंदगी का। आज ब्रो की बंदी से तुम मिलने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा, कहीं साथ चलेगी? हाँ चलेगी, अभी 11 बजे सुबह जा रही हूँ, तो मैं पिक कर रही हूँ, तेरे तो बाल नोच लेगी वो, मिलने जाना, मैं पीछे से वीडियो बना के, दिस इज फॉर डोंट स्पिल टू मच एक्स्ट्रा फुटेज डाल दियो, शुड वी डू दैट? वी आर सो बिची मैन, कर सकते हैं। वैसे बड़ी खराब है तू यार, है ना, क्या क्या कराती है, तूने किया है खुद उनके ग्रुप में, वो जो है इन सबका, उसमें सिर्फ आशिका से ही मतलब नॉर्मल ठीक बात चीत है मेरी, अब वो भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी तेरी जैसा तैयार करती है, बट मुझे लगता है वो फुटेज अच्छी जाएगी, जाएगी तो अच्छी, शी विल डू दैट, इट्स गोना बी लाइक इमोशनल अत्याचार, गलत बात है यार। तो इतना तामझाम होने के बाद, नाउ फाइनली वी गेट टू द फन सेगमेंट्स, फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड रूमर्स दैट गिव यू ट्यूमर्स। फर्स्ट रूमर ये है कि सुनने में आया है आप स्प्लिट्सविल जा रहे हैं। Can't say no. Okay. Are you going? Will you go? Depends na. On what? On selection, if they call me, if the audition goes right. But do you wanna go? Yeah, I wanna go. Okay. तो वहाँ स्मार्ट लड़कियों को आप चूज करोगे? यार आ जाए काश। डाउटफुल होता है स्पिचला में, मतलब कोई स्मार्ट आ गई तो ओ डैम। सही है यार, टफ चॉइस होगी। सुनने में आया कि रोडीज के बाद आपने फेक फॉलोअर्स खरीदे थे। नहीं, फॉल्स। सुनने में आया कि सबसे पहले फाइट आपने चालू करी थी ऑन सोशल मीडिया। फॉल्स। चल झूठा। नहीं मैंने नहीं, इस नहीं डाली नहीं सबसे पहले इस स्टोरी डाली। अरे भाई श्वेत ने स्टार्टिंग में ही एक वीक में 10 स्टोरीज लगाई थी, कुछ रिप्लाई नहीं था, अभी खुलवा लो उसका आर्काइव स्टोरीज और मेरा दिख जाएगा, मेरे को याद है, मैं नहीं भूलता, झूठ बोलता नहीं। हाँ उसने कर रखा था स्टार्ट तब से ही मेरे पीछे, उसने ही जबरदस्ती कॉल कर करके लाइव आ साथ, लाइव आना, सबको बताते हैं ये करते हैं वो करते हैं, तो वहीं से वो हुआ था। How's your equation with him now? We don't talk. I don't talk. Why? मतलब उसके बाद उसे लग रहा था कि हम दोस्त वगैरह बन गए हैं वापस जब फिनाले के बाद आए, बट आई डिडंट लाइक दैट गाय, एंड कोई नहीं पसंद तो इंसान नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद है तुम्हें? काफ़ी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं हैं, पर्सनैलिटी उसकी बहुत डर्टी है, मतलब जो उसके मुँह से बातें निकलती हैं वो बहुत गंदी होती हैं, लाइक ठीक है गालियाँ वालियाँ देता है कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, बट द वे ही यू नो पुट्स आउट हिज थिंग्स किसी को भी, लाइक लड़कियों के बारे में कैसे बात करता है, इवन फॉर मी पर्सनली तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट उसके बाद वो कोई भी बात कहीं भी कैसे भी गुस्सा के किसी को भी यू नो गड्ढे में गिराने की कोशिश करेगा कि बस मैं ठीक हूँ, खुद उस टाइम भी वो गलत बातें बोल रहा होगा। लोगों को पता है यार वो किस टाइप का इंसान है, अब तक तो समझ लेना चाहिए।
सो व्हेन यू वर गेटिंग आउट ऑफ द शो तुमने ये बोला कि गैरी शिविर की वजह से आउट हुआ है. How's your equation with Gary now? Because Gary और तुम्हारी भी बहुत झगड़े हुए थे. But then you made content with him outside the show. हाँ, झगड़े से problem नहीं है. झगड़ा जितना मर्जी हो जाए, एक इंसान अच्छा होना चाहिए ना in the end. Gary को उस time में ज़्यादा जान नहीं पाया था. बल्कि finale के time में हम दो तीन दिन बहुत बात की हमने, क्योंकि हम वापस आए थे. तो then I got to know कि भाई सही में बहुत बढ़िया बंदा था. एंड वो उसने मुझे ये चीज़ बताई भी थी कि भाई वो ज़बरदस्ती sort of मेरे को उंगली करता था ताकि कि भाई हमारी लड़ाई हो और हम यू नो शो में थोड़ा बस बनाए. वो चीज़ उस टाइम मेरे को उतनी समझ नहीं आती थी. मैं नेचुरली अपना करता था जो करता था, बट वो ये चीज़ें समझा रहा था. वो लास्ट डे भी जब बोल के गया है उन सबको कि ये प्यादे हैं, तो वो उनको ट्रिगर ही कर रहा था, तनु वगैरह को, कि भाई ये ट्रिगर हों और कुछ बोलें. उस टाइम भी भूमिका वगैरह ने चुप करा दिया, तो वो अपनी साइड से ठीक ही कर रहा था चीज़ें. और फिनाले के टाइम तनु को बिठा के वो बातें समझाई फिनाले के बाद. तो तनु वाज लाइक यार आप लोगों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई ऐसे वैसे. तो ही वाज अ गुड गाय. He's an innocent guy. I met him. Definitely. मैं सोची थी मैं उसके साथ कुछ प्रैंक या रोस्ट वोस्ट करूंगी. मेरा मन नहीं किया यार. Honestly, वो बहुत अच्छे से बात करता है. तो I was like, अच्छा लग गया. ठीक है. Okay. Now we're doing the rapid fire, where you had to be very fiery and give me content, so we can promote this. Okay. So we get views. Okay. Okay. Good boy. Fakest person on the show. Rapid है, थप्पड़ मारूंगी. Rapid है. सचिन. Hot. यार वो भी एक सेकंड में बोला जाएगा. वो भी अच्छा इंसान है. But यार वो कर रहा था चीजें फेक. मतलब वो जो नहीं था वो भी वो बन रहा था just to be there. अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. सही है, short scene है, but Yeah, man, we partied last night. But यार वही की बात है, जो था तो था. मैं दोस्त को भी बोल दूंगा अगर मुझे लगा दो. So fakest person outside the show. मैं मिला ही नहीं लोगों से यार ज़्यादा. मैं मिला ही नहीं. किससे मिला? किसी से भी नहीं मिला. तीन चार लोगों से मिला बस. One person you'll never talk to. Obviously Shivam. खाना बजाना नहाना. Naira Pallavi Akriti. खाना बजाना नहाना. It's a desi version of kill marry hook. खाना बजाना में is kill. No. बजाना. खाना is खाना. और नहाना. ये तो तीनों वैसे ही हैं. कोई kill वाला नहीं है ना इसमें. नहीं. तो kill marry hook up नहीं होना. बोला तो सही desi and dirty version of kill marry hook up. खाना पल्लवी. आकृति बजाना. नहाना नायरा. इससे क्या बोला था कि मैं ब्रो की गर्लफ्रेंड को इतना नहीं करता. अरे तो बोल रहा हूँ ना, किया थोड़ा क्या बोल रहा हूँ. मेरा भरोसा नहीं है भाई. हाँ अभी आशिया के साथ डेट पे जा रहा है तू. सुन मैंने नहीं बोला, तूने बोला वॉकिंग ग्रीन फ्लैग. आई कैन सी दैट. कैसे? लिटरली योर रेड विंग्स आर हिडन. तो तब तक तो ग्रीन फ्लैग है ना. जब तक किसी को पता नहीं चल रहा है. हु शुड हैव बीन द विनर? मी. ओके. Okay. और आशिका. Oh, nice. That's why you're going on a dinner date. कहीं जा रहा हूँ. One word for Princess and Gotham's fight. बवाल. Love connection that you wish was fake. ये तूने सोच के बनाया हुआ है. मेरा और आकृति का. Was fake. Wish was fake. हाँ. Yeah. So, Sachin और आकृति का क्या? हाँ, I wish that was fake. हाँ, ठीक बोला मैंने. पर तूने मेरा और आकृति का बोला ना? हाँ, मेरा और आकृति का. आंसर इसका है सचिन और आकृति का फेक होना चाहिए था ताकि तेरा कनेक्शन हो. यार समझती है यार तू. ओह, you had a connection. देखा क्या? You had a connection with आकृति. अरे मतलब जो भी स्टार्ट हुआ. अच्छा. स्टार्ट ऐसे वो प्रॉपर कनेक्शन तो हुआ नहीं. कनेक्शन था ना जो भी था कि वो कनेक्शन था ना. डेट वेट वाला नहीं था कनेक्शन. ओके. रिलेशनशिप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? रिलेशनशिप. ओके. अबे हंस कर रही है तू. 1 million फॉलोअर्स और $1 million? फॉलोअर्स. उससे पैसा कमा सकते. नाइस. पैसा कमाना होता तो यार मैं रोडीज नहीं करता. पैसा कमाना है, एम है, बट फेम ज्यादा चाहिए. इस टाइम पे मेरे को फेम प्यार है. व्हाट डू यू नोटिस फर्स्ट थिंग इन अ गर्ल? प्रोबब्ली आईज.
मेरी आंखें कैसी? अच्छे लेंस है। थैंक्स। ओके, वन वर्ड फॉर रणवीर एंड दीपिका'स कंट्रोवर्सी। या मैंने एपिसोड नहीं देखा। ओह माय गॉड, निकल जा से। मतलब मैंने ऑलरेडी 15-20 मिनट का देखा, उसके बाद हो गया मेरा बस। तो मतलब तुझे पता है क्या चल रहा है? हाँ हाँ, वो रील्स वगैरह में देखा है। हाँ। कट गया बेचारे का, मतलब गंदा यार, बैड। That's the fucking problem of this society. तुम लोग ने पूरा एपिसोड ही नहीं देखा। अरे मतलब यार देख, जो रील से जज हुआ तो उसमें ऑब्वियस दिख रहा था कि भाई, तो रील्स तो ऐसे श्वेत भी डाल ही रहा है ना, उसमें हीरो तो लग रहा है। इज ही अ हीरो? अरे नहीं लग रहा वो उसमें भी। मेरी और उसकी रील जाके देखना YouTube, Instagram, मुझे दो तीन दिन तक पता नहीं था। मेरे एक ऑडियो सुना अभी दोस्त की। क्या ढूंढनी पड़ेगी, छोड़ो। उसमें सुना दूं क्या है ऑडियो में? वो उसकी रील में उसने अपने आप को हीरो दिखाते हुए बनाया है। हाँ। स्टार्ट कर रखी होगी, कोई नहीं हीरो लग पाता है बना के। तुमने पूरा एपिसोड नहीं देखा है उसमें शी वाज जस्ट सेइंग कि व्हेन वी वर नॉट टुगेदर वी वर सीइंग अदर पीपल, ठीक है? तब मेरे दिमाग में ये बंदा चलता था। When I was seeing other people, he was also seeing other people. उसका मतलब ये था। उसमें ये नहीं mention हुआ, I guess, कि रणवीर was also seeing other people. वो पहले sentence में हो चुका था ना? अच्छा। That रणवीर cut cut करके, हाँ, वो cut cut करके उसका meme भी बना के वो किया है। But जो पूरी बात ये थी कि दीपिका भी कहीं लड़के date कर रही थी और रणवीर was also not ready for a relationship. That's why. ऐसा नहीं था कि रणवीर रेडी नहीं था। हाँ, ऐसा बोला है पूरे एपिसोड में। बोला है। हाँ। अरे मैं यार प्लीज गाइस वॉच द होल एपिसोड बिफोर जजिंग एनी मूवी। मैं ऑनेस्टली इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ औरों की चीजों में ना। नहीं, मुझे बड़ा कॉन्सेप्ट मजा आता है। मैं किसी इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो बहुत पॉपुलर है। कहीं दिख गया रील्स वील्स में तो इट्स फाइन, वरना सिर्फ विराट कोहली के इंटरव्यूज देखता हूँ। ओके, व्हाट डू यू लाइक अबाउट विराट कोहली? एवरीथिंग। ओके, इवन आई लाइक हिम, ही इज अ नाइस गाय, क्यूट। यार आज जल्दी 88 पे आउट हो गया, एक और सेंचुरी मिस। कोई बात नहीं यार, एवरी डे कांट बी अ गुड डे ना। गोट इज अ गोट, क्या फर्क पड़ता है। हां भाई, तो ओके, लास्ट वन फॉर द रैपिड फायर। आर यू अ प्लेयर और यू हैव बीन प्लेड? आई एम अ प्लेयर। और अभी बोलता है आई एम अ वॉकिंग ग्रीन फ्लैग। अबे गेम पर्सपेक्टिव से आंसर दिया मैंने। नहीं, कि ये तूने किस सेंस में पूछा है? ऐसे रियल लाइफ क्या है? रियल लाइफ मेरे को लगा तू रोडीज पर्सपेक्टिव से पूछ रही है। हां नहीं नहीं, फिर भी आई एम अ प्लेयर। इज सच अ, oh my god, I literally thought you are a very boring guy. So sorry. लोग जानते नहीं हैं ना, हम लोग का इतना बात ही नहीं हुआ ना, अभी ओपन अप नहीं हो ना उतना। हां, लगेगा तुझे 4-5 महीना कभी हमारे फ्लैट आना। ऐसा क्या करोगे भाई? अरे सब आना, हाउस वार्मिंग रखेंगे हम। ओके ठीक है, ज्यादा वार्म ना हो जाए हाउस, आई हैव टू एग्जिट। ओके, दिस इज द लास्ट सेगमेंट, ठीक है, जिसका नाम है इम्प्रेस द होस्ट एंड बिकम हर दोस्त। आई एम ऑलरेडी हर दोस्त। तूने बोला अभी हम लोग इतना अच्छे से नहीं जानते हैं। बट हम दोस्त हैं, हमने पार्टी की साथ में। अरे मैं सबके साथ पार्टी करती हूँ। बट दोस्त या सो दिस सेगमेंट इज नाउ दैट वी थिंक दैट यू आर गोइंग टू स्प्लिट्सविला, वी थिंक दैट यू आर गोइंग टू स्प्लिट्सविला, यू विल हैव टू मेक अ कनेक्शन, सो यू विल हैव टू इम्प्रेस गर्ल्स एंड टॉक टू देम। Okay, so this is a practice session where you get a chance to impress the host. ठीक है? As a friend, you have to impress me. अगर मैं impress होगी तो मैं बताऊंगी कि लड़की भी दूसरी impress हो सकती है इन बातों से, क्योंकि लड़कियां दूसरी लड़कियों की वो होती है ना, judge कर सकती हैं आसानी से. तो you try to impress me and I'll judge if you can impress other girls. Okay, don't think that I'm Shreya. Think
I'm Akriti. Go for it. Okay, sorry. I should have given another example. Yeah, wo ho gayi thi impress. Haan, to karna abhi wapis. Think that I'm Akriti, okay? We'll edit it out. Main Akriti ka aisa face laga dunga. So difficult to convince a guy, man. We have to deal with men every day, you see? तू डेट्स पे जाता है, डेट में पहले जाके क्या बोलता है? मैं ऐसे दो लाइन में नहीं इंप्रेस करता हूँ। तो चार में कर, चार लाइन बोल। यार कॉन्वर्सेशन होती है। So my name is Dilwijay. Hi, my name is Shreya. You wanna go ahead and game, right? Yeah. So definitely you need a smart connection, जो गेम में आगे जाए। And you're looking to win the show or you want to make a connection? Both. I wanna find love as well, and I wanna win the show with my love. उसकी तारीफ करूँगा अच्छे से। तो बोल मेरी तारीफ कर दे यार, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। ये आँखें असली हैं या क्या? Fake है। क्यों? काश असली होती। यार मैं It was good. At least you made me laugh. So it's a plus point. मैं यूजुअली थोड़ी सी खींच देता हूँ टांग, बट ये अच्छी है। मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि लड़कियां वहां पर पिकअप लाइन से इंप्रेस होती है, तो यू मेड द गर्ल लाफ, सो आई थिंक यू आर स्प्लिट्स फॉर द मटेरियल। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी मैन। नेक्स्ट इंटरव्यू जा थोड़ा ही रहा हूं अभी। नेक्स्ट इंटरव्यू प्लीज कम ऑन माय शो अगेन। डेफिनेटली। ओके, सो दैट वाज इट। दिस इज Dilwijay Rathi फॉर यू गाइज। आप लोगों ने बहुत बोला कि प्लीज गेट Dilwijay Rathi, सो फाइनली इज योर। एंड टेल मी इन द कॉमेंट्स के आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आई विल सी यू प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वन, एंड इट्स गोना बी अ सरप्राइज। सो टाटा, लॉट्स ऑफ लव, अच्छे से बाय बोल, बाय बाय।